आई हुई हाँ इधर नेपाल कन्या दे ले वधिया जा मुंडा भी ढूंढ ते नहीं मिले वो लगा ये चेरी पे मेरे साथ ही ऐसा पॉपअप क्यों चा मिल लूंगी सत्याकाल जी सारिया ने मैं सोचा कि मैं आई हुई हाँ इधर नेपाल बागडोरा ते मैं सोचा मिनी ब्लॉग बना दिया इम्प्रोम्प्टू प्लान सेगा ते मम्मी भी है मम्मी ए सारा ब्लॉग पंजाबी चो है वधिया साडे नाल एक होर सर भी है उन्होंने ज्वाइन किया है सर अपना इंट्रोडक्शन दो माय नेम इज रोहित ओके ओह वेरी हाई फाई एना ते करके ही आपा पंजाबी च गल कर रहे ने ते ए कहंदे ने माय नेम इज रोहित सर पंजाबी च कुछ कह दियो मेरी मम्मी है वाइब बहुत ही वधिया है ते माउंटेन्स ही माउंटेन्स ते मामला ते सेट है हूं चले आप कन्याम की प्रोग्राम है जावांगे मुंडा भी ढूंढ I'm good looking. I talk well. लगता मिलूगा? नहीं मिला. तेजी मेरी दरखास्त हो गई है rejected. दरखास्त rejected. कहंदे ने तुहानू इधर मुंडा ने मिलना नेपाल दा कोई सीन नहीं है चलो वापस चलो पंजाब चलो उधर मुंडा ढूंढ लेंगे तुहाडे लिए ते कोई नहीं जी मेनू एक कप चाय पिला दो फिर इधर चाह मिलूगी गाड़ी तो बाहर आ गई मेरी वाइब वधिया है डिफरेंट है एंड पूरा ब्लॉग पंजाबी च होने वाला है देखो लोग देख रहे हैं तो गाइस अब मैं गाड़ी से उतर गई हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ पे चेरीज दिखी है तो चलो जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या कौन सी सब्जियाँ मिल रही है और चेरीज दिख रही है तो मुझे चेरीज तो पक्का खरीदी है क्योंकि मुझे चेरीज खाने का बहुत शौक है गाइस ये चेरीज नहीं ये चिलीज निकली ये तो मिर्ची निकली ओह मेरे साथ ही ऐसा पोपट क्यों होता है मेरे को लगा ये चेरीज है पर ये चिलीज है मेरे साथ ही ऐसा पोपट क्यों गाइस आपको देख के लग नहीं रहा कि दूर से कोई भी इंसान टूरिस्ट यही सोचेगा कि ये चेरीज है पर ये चिलीज है आंख में चला जाएगा ना जलन होता है ये मेरी तो चेरीज की बात बनी नहीं पर मेरी मम्मी ने शॉपिंग शुरू कर दी है अदरक लेना है क्या करोगे ले लो जो लेना है ले लो ये खीरा थोड़ी है लौकी होगा चलो ठीक है एक बार व्यू दिखा दो आप बीचों
घर बनवा लूं और वहीं पे मैं चाय का बिजनेस शुरू कर देती हूँ, क्या ख्याल है आपका? चाय पीने का मन है, मुझे भी बना देना। पीनी है? और ये देखो मेरी माता को, वो पहाड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ पाई है पर वो देखो चढ़ते चढ़ते कहाँ दूर पहुँच गई है। ब्यूटीफुल, हम आपको टी गार्डन में छोड़ के जा रहे हैं लेडी। कहती है आ जाओगे तो तेरे बिना, बात तो इनमें है, ये देखो चल चल के आ रही है, टक 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 टक। घूमने आए हो आप? आपने अपने बैग का बड़ा क्लासी वो बना लिया है, ये लटक क्या रहा है? चलो बढ़िया बढ़िया, क्या बात है मैडम, आइए अब चलिए वापस, 4 बजने वाले हैं, हमें पहुंचना है। चलो आते हैं फिर चलते हैं। ओके डियर। मेरी मम्मी पहुंच चुकी है एक किचन के अंदर, एक ढाबे के किचन में जहाँ पे नूडल्स हैं। और क्या आप खाना तो नहीं बनाने वाले उनके ढाबे पे? यू नो ना आई लव कुकिंग। और मोमोज है, मिर्चियाँ हैं, ये सब और चाय रेडी हो गई है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हमारे घर में ये चेयर्स चलता है। गाइस अभी कन्या आ गई है कन्या में, और देखो तो कितनी सुंदर तरह से ड्रेस्ड है ना, कपल्स। और ये रहा कन्या का स्पॉटलाइट जहाँ पे ये कन्या खड़ी है, और मेरी माता का है, मेरी माता जिसको मेरे लिए लड़का देखना नहीं है आता, इसलिए मैं अपना खुद से ही बजाने वाली हूँ बैंड बाजा। बजा के दिखाओ फिर देखते हैं इसकी चलेगी पंजाबी पहनी। फैन भी मिल जाते हैं, क्या बात है। मेरी वाइफ नेपाल तक है, सो यस थैंक यू टू बिग बॉस कि आपने मुझे वर्ल्ड फेमस कर दिया। क्या बात, दर्शकों के ना सिर्फ दिलों में बह रही हैं बल्कि उनके दिलों पर राज कर रही हैं। थैंक यू बिग बॉस। और ये रहा कन्यम, क्या ये कोई यूनिवर्सल साइन है? आई डोंट केयर। और वहाँ पे कन्यम स्पॉट पे बहुत भीड़ है, तो मेरी मम्मी यहीं पे, आप ब्लॉग ले लो, ब्लॉग में आप क्या खूबसूरत लग रही हो अपने लाल सूट में। मैं एक्चुअली नेल पॉलिश लगाने या रुकना चाहती थी क्योंकि जग्स लग रहे थे, तो मैंने बोला यही मौका है रोकने का बना रखा, अदरवाइज शी वाज नॉट स्टॉपिंग द कार। पता चल रहा है आप मेरी मम्मी हो, कहीं पे भी नेल पॉलिश लगा सकते हैं हम लोग। यस वाओ नाइस, ओह माय गॉड, एकदम हाई फाई, एकदम देसी। हाँ यही है हमारे घर की वाइफ। नहीं नहीं, ये मनारा है ना बहुत बिजी रखती है, मुझे अपने लिए तो टाइम मिला नहीं, इसलिए मैंने यही आके ढूंढा, थोड़ा सुकून है। ऑसम, पीछे वाइब साइन आ रहे हैं, वो पीछे लड़का वाइब साइन दिखा रहा है। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपने हमें दिखाया। ओके रोहित जी, फिर लोग लाइफ में मुझसे परेशान हो जाते हैं, आई ऑलवेज से यू आर मोस्ट वेलकम मैम, यू आर मोस्ट वेलकम सर, और लोग कहते हैं व्हाई सर व्हाई मैम, बट दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज हाउ आई स्पीक। सो बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस अराउंड। और गाइस अब जल्दी चलो, बिना स्टॉप करे इस ब्लॉग को भी स्टॉप करते हैं। दिस वॉज अ मिनी ब्लॉग फ्रॉम कन्याम फ्रॉम नेपाल, और अब चलते हैं। वाओ मेरे को आइसक्रीम वाला भी दिख रहा है, बट मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कैलोरीज नहीं बढ़ानी चाहिए, और सीधा जाना चाहिए अपनी इवेंट की तरफ, और मैं रेडी होने वाली हूँ। और बस हो गया, अब बहुत हो गया। चलो अब यही है ना शायद हमारी गाड़ी। हाँ यही ओके बाय।